नमस्कार, आप लोग का 1-2-3 ऑनलाइन एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माथुर, झारखंड बोकारो ओबीसी से नक्सल क्षेत्र से हूँ, और मैं आपको रांची आईटीबीपी जो मेडिकल हो रहा है उसका जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा 3 फरवरी को था और मैं 2 तारीख को पहुँच चुका था वहाँ आईटीबीपी, और जिससे पहले ही लड़का लोग बोल रहे थे जिसमें 1 में बहुत ही नॉर्मल हो रहा है, 2, 3, 4 बहुत ही हार्ड हो रहा है मेडिकल, बहुत ही हम लोग डर चुके थे। मेरा हम लोग 3 दोस्त हैं, हम लोग मेडिकल देने गए हैं सुबह को 6:40 में गेट में पास पहुंच चुके थे, जिसमें हम लोग का आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा था। फिर हम लोग अंदर घुसे, फिर हम लोग का बायोमेट्रिक हो चुका था, जिसमें बायोमेट्रिक हो गया जैसे वहीं पर बोल दिया आपका टेबल नंबर 2 और मेरा 4 था, मेरा दोस्त का टेबल नंबर 2 में था, काजल झा। और पहले से बहुत लड़के पहले से पहुंच चुके थे जिसमें फॉर्म फिलअप कर चुके थे, जिसको उन लोग को हॉस्पिटल ले गया रानी हॉस्पिटल। और हम लोग बेंच से टोटल 22 लड़के थे, 30 में 8 एब्सेंट था, और 12 हम लोग बचे थे बाद में, बाकी सबको हॉस्पिटल ले गया ब्लड यूरिन और एक्सरे के लिए। और हम लोग का मेडिकल 10 बजे स्टार्ट हो चुका था, और उसके पहले हम लोग पीएचडी वाला जो ले गए थे, जो पास किए थे रनिंग में, वो वाला सबके पास निकालने बोले, फिर लाइन में बिठा दिए। और जिसका जिसका वेट में लिखा था उसका वेट चेक किए। एक लड़का था जिसमें वो 5 किलो वेट घटाने बोला था, वो 7 और 2 किलो बढ़ा के गया था, जिसमें उसको रीमेडिकल दिया गया। उसे फिर डॉक्टर आए, सब लड़के को लाइन लगा दिए, फिर आय को पढ़ाने लगे, आय चार्ट, जिसमें किसी को मुड़ी सबको घुमाने बोल दिया, सबको घूम घूम कर रहने बोले, और बोले सब कोई इधर नहीं देखेगा आँख को, इधर चार्ट को सबको, हम लोग का ई वाला चार्ट पढ़ाया गया। फिर हम लोग का फिर आय हो गया, तो उसके बाद जो जो पढ़ पढ़ के आ रहा उसका बीपी नापा गया, उसके बाद बीपी सबका नॉर्मल था, सर लोग थे बीपी 140/90 मेरा लिखा था। उसके बाद सब लड़का का चेक हो गया, फिर लाइन में खड़ा कर दिए, चेयर में बैठा बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करना है, मुँह खोलना है, आँख चेक करेंगे, आँख चेक तो हो गया था, कान चेक करेंगे, नाक चेक करेंगे, और ऐसा करना है, ऐसे ऐसे करना है, सब हम लोग का हो चुका है। नाक एक लड़का था जी जो डीएनएस में लिख लिया उसको, बाकी सब ठीक था। उसके बाद हुआ हम लोग का सबको एक बोल दिए पोजीशन में ऐसा खड़ा रहना है, सबका चड्डी बनियान उतार दिए, बोल सबका अपना उतार दो, इस तरह से सीधा करके खड़ा करा दिया गया, उस तरह से देख लीजिए, इस तरह से 3 घंटा खड़ा करके रख दिया गया, एक एक पार्ट आके चेक करा था हर बंदे का। पहले स्टार्ट किया कान से, फिर दांत चेक किया गया, फिर आई टॉर्च से चेक किया गया, इधर उधर रेटिना को इधर दिखा गया ऊपर नीचे, उसके बाद फिर कान का बगल में भी चेक किया गया, कोई ऑपरेशन तो नहीं है कान में, फिर दांत गिना गया, दांत में नंबर भी दिया गया, फिर आपका हो गया हाथ आके चेक किया, हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, उंगली इस तरह से चेक किया गया, आगे पीछे दोनों मुड़ के चेक किया इस तरह से, नोकनी भी चेक किया आपका सुता के, पूरा भी बना के चेक किया इस तरह से, भी बनवाया गया इस तरह से आगे होके, फिर आपका हाइड्रोसिल चेक किया गया उसी से सुता के, उसमें से अंडर पार्ट सब चेक किया गया, फ्लैट फुट भी उसी में समय चेक किया गया, सब सुला के ही चेक किया गया। इसके बाद सोल्जर को इस तरह से उठाया गया, इसका वो पीछे से बैक साइड से देखा गया, डॉक्टर चेक किया गया, सब चेक किया, फिर इसको नीचे से करके टच करने वाला जमीन को, और कंधा इधर सीधा रखना है, वहाँ एकदम सीधा खड़ा रहना है, न किसी को इधर उधर नहीं देखना है, डॉक्टर जितना देर रहे वहाँ आराम से खड़ा रहना है, किसी से बात नहीं करना, हंसना नहीं है, नहीं तो उसमें भी पॉइंट मिल सकता है, और शरीर सीधा रखना है, वहाँ खड़ा इधर उधर एंगल नहीं जाना, किसे खड़ा रहना है, एकदम सीधा, कोई लड़का ऐसे नीचे दिखता है तो उसको पॉइंट दे देगा, और इसका भी वेट है वो वेट घटा के ही जाए, नहीं तो वहाँ पॉइंट उसमें भी मिलेगा आपको, अगर 5 किलो से ज़्यादा है तो हम माफ नहीं करेंगे आपको, आपको लिख दिया जाएगा वेट। तो उसके बाद हम लोग का फिर चेक किया गया, लाइन में जैसे खड़ा कर दिया गया, नोकनी पहले चेक नहीं किया पहले, उसके बाद हाथ चेक कर लिया, हाथ हम लोग जैसे करने बोला सबका हाथ चेक करा था, वो मेरे हाथ का पसीना भी चेक करा था, एक ऐसे ऐसे करके छूटे,
जैसे मेरे पास आया हाथ चेक करना, मेरा पैर देखा उंगली, जैसे डॉक्टर कर रहा है ऐसे कर रहा है, ऐसे करना है, ऐसे कर रहा है ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कर रहा था ऐसे करना है। उसको डॉक्टर मेरा हाथ लगा के बोला तुम्हारा ये हाथ में क्या है, टैटू है, सटी है। तब अपना टैटू ऐसे दिखा दिए उसको, तो दिखा देना आप लोग को। उसके बाद चेस्ट में नापा गया, मेरा टैटू जो है इसमें यहाँ पूरा था, पूरा टैटू था श्री राम, जैसे जय श्री राम लिखा हुआ। तो वो बोला गया क्या लिखा हुआ, तो डॉक्टर लोग ऐसा नहीं बोलना, सर जोड़ जाड़ के हम बोलेंगे, सोचना नहीं हुआ डायरेक्ट हम जैसे बोला, हम बोल दें सर श्री राम लिखा हुआ। तो बोला चलो बैठ, तो बोला ठीक है श्री राम लिखा हुआ, तो सैल्यूट मारो, जैसे सैल्यूट मारे हम तो टॉर्च मार के देख लिया पूरा ठीक है। तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, आराम से वहाँ जो बोलता है सर उसको फॉलो करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है, जिसके कारण वो नजर रखता है सब पर। उसके बाद बोला गया हमको टैटू चेक के लिए, बोला ठीक है, जिसका जैसा पॉइंट लिख रहा था उसका नाम पूछा जा रहा था, हम तो जान रहे थे मेरा नाम नहीं पूछा नहीं लिखा। फिर हाथ चेक कर रहा था, बोला बेटा तुम्हारा हाथ टूटा हुआ, तो बोला एकदम ऐसे बोल दिया नो सर मेरा हाथ टूटा नहीं हुआ। तो इसके लाया इसके लिए फिर नाप लिया गया, बोला ठीक है चेक कर लिया। ऐसे पोजिशन में रहना एकदम सीधे, कुछ नहीं करना, ऐसे कल ऐसे ऐसे करना है, हिल नहीं करना। फिर सबका चेक हो गया, फिर उसके बाद देख रहे हैं नोकनी चेक हो रहा है, नोकनी चेक हो रहा था सबको। हम अपना वाला बहुत सारा गैप पूरा टाइट करने बोला, बट ढीला नहीं, वैसे टाइट कर दिए, वैसे सीधे रहना, देख लिया नोकनी ठीक है। बहुत लड़का को जिसका प्रॉब्लम हो रहा था, गैप माइनर गैप होता था, उसको सुला सुला कर चेक कर रहा था, जिसमें दो लड़का का लिख दिया गया है नोकनी में, और इनका भी दो नंबर टेबल में था, जिसको पॉइंट दिया है अपना पॉइंट एडी में दे दिया जी, इसका पॉइंट इसका कैसे दिया है, इसका जो हम लोग जो टेबल खोला इसका पॉइंट इसलिए कारण दिया है, जब हम लोग सटाते हैं तो इसका यहाँ गैप बन रहा है, इसलिए डॉक्टर टू नंबर टेबल जो है बहुत ही हार्ड चेक करता है। पॉइंट इसका चेक किया जिसमें गैप बन रहा है, इसको पूरा चेक किया, तो इसको फिर इसको टेबल नंबर थ्री में ले गया, बोला इस लड़का क्या करेंगे, तो बोला थ्री वाला बोला डॉक्टर बोले फिट है लड़का, फोर में भी बोला फिट है, और वन में भी जब ले गया इसको तो बोला फिट है, फिर भी इसको टू नंबर डॉक्टर फिर इसको किया अपने बेंच में लाके और लिख दिया आपका ये प्रॉब्लम है, नाम क्या है, बाइलेटरल एंकल बल्गम, बल्गम उसको तो लिख दिया गया इन लोग का। और फिर से हम लोग का मेडिकल हुआ, फिर शोल्डर देखा गया सबका, फिर पेट नापा गया, पेट 90-95 प्लस नहीं होना चाहिए, ना तो मेडिकल लिख दिया जाएगा। दांत में भी छटा है बच्चा, वहाँ चार दांत पैकिंग करा के गया था, जिसमें से उसको पॉइंट मिल गया है, उसका भी रिमेडिकल दिया गया है, अनफिट नहीं किया जा रहा है किसी को, सबको रिमेडिकल का चांस दिया जा रहा है। उसके बाद देखा हाथ तो टूटा हुआ जो चेक कर ले रहा है, उसके बाद सीना भी देख रहा है, जिसका जैसा बहुत बहुत ही मेहनत लड़का होता है, मेहनती सीना बहुत ही चौड़ा पूरा टाइट रहता है, शोल्डर भी निकला हुआ ऐसे ऐसे होता है, उसका सीना नाप रहा था, यहाँ से पीठ वाला यहाँ से बड़ा छोटा हो रहा था लिख दे रहा था, ऐसे चेक हो रहा था। एक दो लड़का को शोल्डर में लिख दिया है जिम जाने के कारण, जिम में वे सब कर लिए थे, जिसमें शोल्डर में उसका लिख दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग का चेक हुआ, उंगली सारा तो हो गया, पेट तो हो गया, उसका फिर अंदर पार्ट चेक किया, बावासीर चेक किया, हाइड्रोसिल चेक किया, पेनिस चेक किया, ऑलरेडी सब चीज चेक कर रहा है, किसी का पॉइंट है तो लिख दे रहा है डॉक्टर, पॉइंट है तभी लिखेगा नहीं तो नहीं लिखेगा डॉक्टर। उसके बाद हम लोग का हर टेबल में 30-30 बंदे को बुलाया जा रहा है, बंद कर दे, मेरा टेबल में तो 10 लड़के थे, बाकी 20 बंदे जो थे वो तो ले गए थे उसको बस में एक्सरे ब्लड यूरिन टेस्ट के लिए, उन लोगों का सुबह मेडिकल हो गया था, मेरा तो शाम को हुआ, लगभग 2 बजे से स्टार्ट किया मेरा मेडिकल, लगभग 5 बजा दिए वहीं पे, 10 बंदे थे जिसमें 10 गो में 9 गो का तो पॉइंट लिख दिया वहीं पे, ये वो छोड़ के इसका टेबल नंबर 2 में था, मेरा टेबल 2 में था, वो डॉक्टर है थोड़ा सा आपका बहुत ही सख्त है, वो सीनियर भी है वहाँ का सबसे ज्यादा, टेबल नंबर 2 जो है तो कुछ भी पॉइंट मिलता है तो छोड़ता नहीं है, सबको पॉइंट देता है। टेबल नंबर 2 जो डॉक्टर है, टेबल से मात्र 4 या 5 ही लड़का पास किया, टेबल नंबर 2 जो डॉक्टर है वो 1 में भी जाके लड़का लोग को देख चेक कर रहा है, 3 में भी जाके चेक कर रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मतलब 3 और 1 में भी जाके लिख दे रहा है, वैसा डॉक्टर है, ऐसा कुछ भी लड़का लेके जा रहा है, अगर दिख रहा है लड़का ऐसा है
तो बोला ये लड़का नौकनी जैसे नौकनी किया, नौकनी जैसे सटा दिया, कोई लड़का ढील कर दिया तो उसको बोला आप ढील कर दिया तो उसे मार के एकदम सटा के उसको नौकनी में फिर लिख दिया। आपके सामने रहने का भी व्यवस्था है, जाइए एक दिन पहले ही जाइए, वहाँ पे रहने का व्यवस्था भी है, रूम बहुत सारा मिलता है वहाँ पे, महतो होटल नाम से वहाँ प्रसिद्ध है वो, और वहीं से जस्ट 200 मीटर में ही आपका कैंप है। वहाँ सुबह आपको नहा धोवा के फ्रेश होके साफ सुथरा होके जाना है, एडमिट साथ में ले जाना है और बस 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 सबको लाइन में लगा के उसमें घुसाएगा आपको अंदर, सुबह आप 7 बजे तक पहुंच जाइएगा। खत्म लोग फिर से जब अगले दिन रिजल्ट दिया गया 5 तारीख को, सारा लड़का आ चुका था, और पहले ही जो 1 तारीख को जो लड़का दिया था मेडिकल बोल रहा था जो अनफिट हो रहा है उसको पनिशमेंट दिया जा रहा, मतलब डिस मारा जा रहा है, ऐसा मारा जा रहा था। हम लोग जब रिजल्ट दिया गया जब हम लोग को रिजल्ट दिया गया तब बोला कि आप कुछ बोला नहीं गया, नाम बोल दिया, बोला जो फिट बंदा था उन लोग को डिस मारा गया था, हम लोग सोचे थे अनफिट वाला को डिस मारा जाता है, हम लोग को डिस मारा गया फिट वाला बंदा। उसके बाद बोल रहा डिस मारा, हम लोग जान गए थे हम लोग तो अनफिट हो गए, डिस मारा रहा ऐसा कर रहा, तो हम लोग सोच लिए थे अनफिट हो गए हम लोग। तो फिर बाद में जब बोला रिजल्ट तब बोला तुम लोग जो डिस मारा तुम लोग फिट हो, बाकी जो लोग है अनफिट है। हम लोग सोच रहे थे क्या हो गया, गलत हो गया क्या, तो हम लोग फिट हो गए। हम लोग बेंच में 22 में 5 फिट हुए थे जिसमें 4 को टान टून के फिर से डॉक्टर पास कर दिया टेबल नंबर 4 में, और 2 में सब 3 में सब नहीं जानते उस टोटल 120 में 50 से 55 बंदे को पास किया गया, बाकी सबको रीमेडिकल फिट दे दिया गया। एब्सेंट भी हो रहे हैं लगभग हर टेबल से, दो हमारे यहाँ से जो धीरज और जितेंद्र गए हैं बिहार गए हैं किशनगंज मोकामा घाट, और उन लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना मेडिकल दें। आज भी हम लोग के यहाँ फील्ड से बंद कीजिए, बंद कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइक वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी।